strong. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हम लहसुन बाजरा बना रहे हैं दही भरते के साथ। इस वीडियो को आप बिना स्किप करे देखें ताकि कोई भी टिप्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये ग्रीन लहसुन है, हमने इसके पूरे बंडल को लिया है और ये लहसुन हमने अलग कर लिया है। इस लहसुन को हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। और ये पार्ट जो है, बहुत लोग ये पार्ट को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम इसको भी यूज़ करेंगे और इसको भी बारीक काट लेंगे और इस हिस्से को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। देखिए, हमने इसको बारीक चॉप कर लिया है, ग्रीन जो पार्ट है वो, और ये पीछे का जो हिस्सा था वाइट वाला उसको भी हमने चॉप कर लिया है बारीक। ये बहुत टेस्टी होता है, इसको वेस्ट ना करें। बहुत लोग इसको वेस्ट कर देते हैं, इसको वेस्ट ना करें। और ये लहसुन जो फ्रंट का हिस्सा है वो, उसको भी हमने अलग से निकाल लिया है। इसको हम या तो बारीक चॉप कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं बारीक बारीक, लेकिन मैं बहुत इजी काम करने की कोशिश कर रही हूँ इसको, तो मैं चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लूँगी। देखिए, हमने लहसुन को चॉप कर लिया है। ये चॉप करने से एक फ़ायदा ये होता है कि इसका जो पानी थोड़ा छूटता है तो उसकी खुशबू और ज़्यादा इन्हेंस होती है और उसका टेस्ट लहसुन बाजरे में बढ़ जाता है। यहाँ पे लिया है हमने आधा किलो बाजरी का आटा, उसमें हम डालेंगे एक टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, और इसको हम गूंद लेंगे। यहाँ पे लिया है हमने एक बैगन, तकरीबन ये 350 ग्राम है। इसको हमने बीच से काट लिया है ताकि कीड़े या कुछ ऐसा खराब हो तो हमको नज़र आ जाए। और इसमें लगा लिया है हमने तेल और इसको हम अब भुनने के लिए रख देंगे। जब तक ये भुनता है तब तक हम आटा गूंद लेते हैं और बाकी तैयारी करते हैं। देखिए, ये हमारा आटा गूंद गया है और ये नॉर्मल गेहूं के आटे की तरह नहीं गूंदता है, ये इस तरह से रहता है। अच्छी तरह से इसको मसल के गूंद लेना है। और अब इसकी हम रोटी बनाते हैं। यहाँ पे हम ऐसे बड़ी लोई ले लेंगे, इस तरह से हम इसको हाथ से बनाएंगे। हम तवे पे डालेंगे और सेकेंगे। देखिए किस तरह से इतनी मोटी रोटी बनाई है। आप थोड़ी मोटी और थोड़ी पतली भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। देखिए, रोटी हमारी काफ़ी सिक गई है। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा से रोटी में छेद करेंगे दोनों तरफ से, ताकि अंदर का जो हिस्सा है वो कच्चा नहीं रह जाए। अच्छी तरह से इसको सेकना है। अगर ये कच्चा हो जाएगा तो ये ग्राइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा और गीलापन लगेगा। अच्छी तरह से ग्राइंड ये नहीं हो पाएगा। ये रोटी हमारी सिक गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे इस तरह से, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी तरह से सारी रोटियां हम सेक के इस तरह से टुकड़े करके इसको ठंडा करेंगे। यह हमने ठंडा करके इसको टुकड़े कर लिया है और इसको अच्छी तरह से बारीक कर लिया है। देखिए मैंने कितना बारीक किया इसको। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, ये ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, और इसको अब ग्राइंड करते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से रवेदार पिसाया है और ये ठंडा होने की वजह से ही इतना रवेदार पिसाया है। अगर ये आपका गर्म रहेगा या गीला रहेगा या अंदर से रोटी नहीं सेकाएगी तो इस तरह से बुरादा नहीं बनेगा। यहाँ पे हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे प्योर घी। ये घी हमने A2 काउ घी लिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब ये घी को अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे।
देखिए यहाँ पे जब तक घी गर्म हो रहा है मैं आपको दो तरीके से इसको बनाना दिखा रही हूँ। ये आप एक तो है ना घी सिर्फ यूज कर सकते हैं और उसके साथ आधा घी और आधा तेल भी आप यूज कर सकते हो। ये दो तरीका भी है यहाँ पे घी और तेल का। और दो तरीके से जो मैं बता रही हूँ वो आपको मैं दिखाती हूँ जब तक घी गर्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमने जो बाजरी के रोटी को पीसा था उसको हम इस तरह से खड्डा कर लेंगे और ये जो लहसुन है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और जो घी हमने गरम किया है उसी के ऊपर गरम गरम डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका मैं जो बता रही हूँ आपको वो ये है कि हमने घी गरम कर लिया है अच्छी तरह से और गरम गरम घी में हम ये लहसुन डालेंगे और 2 मिनट इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। इसमें हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक क्योंकि हमने रोटी में नमक डाले हैं तो बहुत ही थोड़ा सा हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। हमने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई किया है और फौरन हम डाल देंगे ये रोटी का जो हमने पीस के रखा है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए और ऊपर इतना अच्छे से मिक्स करना है कि घी पूरी तरह से मिक्स हो जाए और घी अच्छे से रहना चाहिए वरना ये बहुत ड्राई लगेगा। ये लहसुन बाजरी हमारा रेडी है। ठंडी के मौसम में ये बहुत ही अच्छा होता है, हड्डियों के लिए ये बहुत अच्छा है और ये हमारा तैयार हो गया है। और इसको पकाना नहीं है, बस फौरन गैस को हमने कर दिया बंद। अब हम बनाते हैं बैगन का भरता दही वाला। ये बैगन के छिलटे को हमने अच्छी तरह से उतार लिया है और इस तरह से इसको मैश कर देते हैं। अब हम एक बोल लेंगे और उसमें ये डालेंगे बैगन का भरता मैश किया हुआ। उसमें डालेंगे हम एक हरी मिर्च बहुत बारीक सी चॉप करके। आपके टेस्ट के मुताबिक नमक। यहाँ पे हम डाल रहे हैं धनिया की पत्ती। यहाँ पे हम डाल रहे हैं दही। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं दही जितना आपको चाहिए। मैंने 5 टेबलस्पून के करीब डाला है। अब इसको करेंगे हम मिक्स। अब हमारा दही बैगन भरता रेडी है। ये लहसुन बाजरी और बैगन का भरता रेडी है। ये दही बैगन भरते को मिक्स करके इसके साथ खाया जाता है। अभी सीजन है हरे लहसुन का तो आप इस तरह से बना सकते हैं और अगर सीजन ना रहे और आपको खाने का दिल हो तो आप नॉर्मल लहसुन से भी बनाएंगे तो ऐसा ही टेस्ट आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।